अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्तांबुल। एंड सीन कुछ सुबह से ना मेरे साथ बड़ा बैड सा हो गया। ब्लॉग तो मैंने सुबह स्टार्ट करना था अराउंड 5 बजे उठने के बाद, लेकिन सीन ये हुआ कि लेट हो गया उठने में। मेरी फ़्लाइट थी अंतालिया से इस्तांबुल की, और जो कि मैं लेट हो गया ट्राम की वजह से, और बड़ी ज़बरदस्ती पहुंच के भाग दौड़ करके मैं अंतालिया एयरपोर्ट पहुंचा। और मेरी अनादोलू जेट की फ़्लाइट थी जो कि मैंने 9 बजे की लेकर इस्तांबुल पहुंच गया हूं। खैर खैरियत से फ़्लाइट भी मैंने पकड़ ली थी, लेकिन अराउंड 15 मिनट पहले पहुंचा था। उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे अलाउ किया चेक इन करना, और अपना बैगेज का वेट कर रहा हूँ। बैगेज लेकर बाहर निकलता हूँ, बस पकड़ता हूँ, फिर आपको सारी स्टोरी फिर बताऊँगा। चले भाई जी, वो ले लिया है बैग अपना, ये रहा पीछे। तो बैग के साथ भी सीन हो गया, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसको रिपेयर करवाया था, वो फिर से टूट गया एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने हाथ कर दिया अंकल ने, जिन्होंने जिससे मैंने सही करवाया था। खैर एनी हो, अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे पास एक ना लगेज है जो मैंने कराची लेकर जाना है, मेरा नहीं है, किसी का है, तो वो मुझे यहाँ पे रखवाना है किसी जगह में, ताकि जो है वो मैं जिस दिन मेरी कराची की फ़्लाइट हो तो उस दिन वो वहाँ से पिक करके तो वापस कराची ले जी। तो फाइनली बैगेज जहाँ पे रखना है वो चीज़ मुझे मिल गई है, ये रही मेरे पीछे। आप यहाँ से अगर आपका ट्रांसफ़र है और 2-3 दिन के बाद आपने वापस आना है इस्तांबुल में, तो आप यहाँ पे आएँ। अपने जैसे ही आप मेन लाउंज से बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे, तो सबसे जो एंड वाला होगा ना एग्ज़िट से पहले, सबसे एंड पे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है ना, वो आपको ये इमानत बैगेज, लेफ़्ट बैगेज, ठीक है, ये मिल जाएगा। रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर आकर अपना बैग रखवा सकते हैं। बैग्स के रेट के हैं, किसी भी साइज़ का बैग आ जाएगा। बैग जस्ट आपका पासपोर्ट, या आपका अगर आप टर्किश हैं तो आपका लोकल CNIC वगैरह वो रखेंगे, और पासपोर्ट रखेंगे, और उसको एक दफ़ा देखकर स्कैन कर कर वो आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे, और आपका बैग अपने पास रख के ऊपर स्टिकर लगा कर एक स्टिकर आपको दे देंगे, वो आप अपने पास रख लेंगे। इनके रेट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी बैगेज से हो गया फ्री, और अब एक्चुअल में एग्ज़िट करूँगा टुवर्ड्स बस। यहाँ से बस जाती है जो कि मेरा ख्याल 12 या 13 लीरा लेती है, जो कि सुल्तान अहमद नहीं तकसीम के पास आपके आपको ड्रॉप करेगी। एग्ज़िट के बिल्कुल सामने ये बसें आपको खड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। आप सबसे आगे वाली बस में अपना सामान रखें और अंदर बैठ जाएं, और अंदर ही वो आपसे टिकट ले लेगा जो आपको तकसीम पे ड्रॉप करेगा। जी फाइनली इस्तांबुल सिटी में पहुंच चुका हूं। बस ने जो मैंने हवा बस ली थी एयरपोर्ट से, उसने मुझे ड्रॉप किया है तकसीम पे, और अब तकसीम से मुझे जाना है कबाताश ट्राम स्टेशन, जो कि यहां से 18 मिनट की वॉक पे है, और वहां से मैंने ट्राम पकड़ के फिर सुल्तान अहमद जाऊंगा। मैं जी ट्राम स्टेशन पहुंच गया हूं। 18 मिनट की वॉक थी हवा बस से लेकर यहां तक। स्टेशन का नाम समथिंग था कुछ भी, और ट्राम का कार्ड मेरे पास ऑलरेडी था, और वहां से उसको दोबारा रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के बाद ट्राम स्टेशन पे आ गया हूं। अब यहां से जाऊंगा सुल्तान अहमद।
मैं जी सुल्तान अहमद एरिया में पहुंच गया हूं और होटल का नाम है ऑर्का समथिंग, ऑर्का रॉयल, जहां पे भी हमने रॉयल ही लिया है। और T1 ट्राम से तकसीम से यहां स्टेशन पे उतर गया हूं। 3 मिनट की वॉक है होटल तक की। जी तो होटल से फ्रेश हो गया, 2-3 घंटे नींद पूरी की अपनी क्योंकि सुबह का जागा हुआ था। और अभी लंच किया हूँ कोई अराउंड 1 घंटा पहले, चाय पी के थोड़ा सा ना अजीब सा हालत हुई हुई थी, सर में भी दर्द था तो बाहर निकला हूँ। थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि बाज़ार गलियाँ वलियाँ घूम लूँ और फिर उसके बाद आपको भी दिखा दूंगा आज जितना भी मैक्सिमम हो सका, और बाकी कल पे देख लेंगे इंशाल्लाह।